गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, लेसन 11 पार्ट 4 वायुमंडलीय परिसंरचना तथा मौसम प्रणाली है। कहने का भाव यह है कि वायुमंडल में जो संरचना है वो किस तरीके से प्रभावित होती है और धरातल पर जो पवनें चलती हैं वो किस तरीके से वायु दाब या वायु प्रणालियों के कारण, मौसम प्रणालियों के कारण चेंज होते रहती है। तो इन सबके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। पवन किसे कहते हैं, पवनों के चेंज होने के कारण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से बल उनको प्रभावित करते हैं, इन के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आता है हमारा पवनों के प्रकार। पवनें तीन प्रकार की होती हैं, स्थायी पवनें, आवर्तक पवनें और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें जो होती हैं जो एक ही स्थान पर चलती हैं, यानी अपनी दिशाओं को एक ही दिशा की ओर लेकर चलती हैं, उन्हें हम स्थायी पवनें कहते हैं। कहने का भाव ये है कि ये वे पवनें होती हैं जो वायुदाब के अक्षांशीय अंतर के कारण एक विस्तृत क्षेत्र पर सार बल के लिए एक ही दिशा में बहती है। यानी कहने का भाव यह है कि जो ये स्थायी पवनें होती हैं, ये एक ही स्थान पर पूरे साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, उन्हें हम स्थायी पवनें कहते हैं। इसी कारण इन्हें प्रचलित पवनें भी कहते हैं। ग्रही पवनों के संचलन के प्रारूप को वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण भी कहते हैं। यानी ग्रही पवनें जो होती हैं उन पवनों के प्रारूप को वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण भी कहते हैं। ग्रही पवनों का प्रवाह निम्न बातों पर निर्भर करता है। वायुमंडल तापन में अक्षांशीय भिन्नता, वायुदाब प्रतिबंध की उपस्थिति, वायुदाब प्रतिबंधों का विस्थापन, पृथ्वी का घूर्णन। यानी किस तरीके से ग्रही पवनें, यानी जो स्थानीय पवनें होती हैं, स्थायी पवनें होती हैं, वो किन कारणों से अपनी एक ही दिशा में बहती हैं। तो सबसे पहले आता है वायुमंडलीय तापन में अक्षांशीय भिन्नता। यानी वो भिन्नता किन कारणों से आती है, जब पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और अक्षांश, यानी जब वो पृथ्वी घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है, तो सूर्य का प्रकाश जहाँ पर लंबवत पड़ता है वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा, जबकि जहाँ पर तिरछा या कम पड़ता है वहाँ पर मौसम ठंडा होगा। इसी तरीके से कटिबंधों का विस्थापन भी होता है, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी का घूर्णन गति भी प्रभावित होती है। इसके बाद होता है स्थायी पवनों के तीन प्रकार या वर्ग होते हैं, सन्मार्गी पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। जैसे कि मैंने आपको बताया, सन्मार्गी पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, ये तीनों पवनें स्थायी पवनों के ही पार्ट हैं। सन्मार्गी पवनें क्या होती है, सन्मार्गी पवनें दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब प्रतिबंध की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी पवन कहा जाता है। पूर्व दिशा से आने के कारण इन्हें पूर्वा पवनें भी कहा जाता है। कहने का भाव यह है कि जब आपकी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की ओर, यानी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कैसे पड़ रहा है, लंबवत पड़ रहा है, जो ये ठंडी है उच्च दाब वाली जो पवनें होती हैं ये किस तरफ आती है, भूमध्य रेखा की ओर। और भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, सन्मार्गी पवनें। ये पूर्व से चलती हैं तो इन्हें पूर्वा पवनें भी कहते हैं। इसके बाद आता है विशेषताएं, विक्षेपण बल के प्रभावाधीन ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़कर उत्तर पूर्वी दिशा से बहती हैं और उत्तर पूर्वी सन्मार्गी पवनें कहलाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें अपने बाएं ओर मुड़कर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती हैं और दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनें या दक्षिण पूर्वी पूर्वा पवनें
कहलाती हैं। इसके अलावा अपेक्षाकृत ठंडे अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण ये पवने उत्तरोत्तर गर्म व शुष्क होती जाती है। ये 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली स्थायी नियमित और विश्वसनीय पवने होती हैं। सन्मार्गी पवनों का अधिकतम विकास महासागरों पर होता है। इनका केंद्र अंध महासागर पर होता है जहां ये साल भर चलती हैं। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के साथ साथ सन्मार्गी पवने की पेटी उत्तर दक्षिण की ओर खिसक जाती है। पछुआ पवने, अब नेक्स्ट आता है आपको पछुआ पवने जो पश्चिम दिशा की ओर से चलते हैं। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंधों की ओर वर्ष भर चलने वाली पवने पछुआ पवने कहलाती है। विक्षेपण बल के कारण ये पवने उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलने के कारण पछुआ पवने आर्द्र होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों और प्रति चक्रवातों के कारण पछुआ पवनों का प्रवाह अनियमित व अस्थिर हो जाता है। यानी ये जो दो पवने होती हैं, पूर्वा पवने और पछुआ पवने, जब एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो टकराने के उपरांत वर्षा होती है और वो वर्षा इनकी दिशाओं में भिन्नता ला देता है। पवनों का प्रवाह अनियमित व अस्थिर हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जल के अधिक विस्तार के कारण पछुआ पवनों को घर्षण झेलना पड़ता है। पछुआ पवनों की पेटी भी सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने पर उत्तर दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसके बाद आता है ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने या ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर वर्ष भर पवने वाली चलने वाले पवनों को ध्रुवीय पवने कहते हैं। निक्षेपण बल के प्रभावाधीन ये पवने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम व दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। ध्रुवों से आने के कारण ये पवने अत्यंत ठंडी होती हैं जो तीव्र वेग से चलती हैं। कोरियोलिस बल के कारण इन पवनों की दिशा में 90 डिग्री का निक्षेपण हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थानीय मौसमी परिवर्तनों के कारण इन पवनों के प्रवाह की कई दिशाओं को दिशा हो जाती है। ध्रुवीय पवनों का शीतोष्ण कटिबंधों की पवनों से टकराव होने पर भयंकर चक्रवात और प्रति चक्रवात को की उत्पत्ति होती है। इससे मौसम में भारी बदलाव होता है और वर्षा होती है। इसके बाद आता है आवर्ती पवने। समय के एक निश्चित अंतराल के बाद जिन पवनों की प्रवाह दिशा उलट जाती है उन्हें आवर्ती पवने कहते हैं। कहने का भाव यह है कि कोई पवने अगर उत्तर से पश्चिम की ओर चल रही है और वो थोड़े समय पश्चात उलट जाए, यानी पश्चिम से उत्तर की ओर चल रही थी अब उत्तर से पश्चिम की ओर चलने लग गई, तो उन्हें हम आवर्ती पवने कहते हैं। इन पवनों के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। मानसून पवने, पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार होने वाले बदलाव का सर्वश्रेष्ठ नमूना दक्षिण दक्षिण पूर्व राशियों में मानसून पवनों को देखा जा सकता है। अर्थ, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु में परिवर्तन। अतः मानसून पवनों पवने वो पवने हैं जो गर्मियों में 6 महीने समुद्र स्थल की ओर तथा सर्दियों में 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। विस्तार, ये पवने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर, चीन, जापान में चलती हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा या मानसून
उत्तरी गोलार्ध में जून ग्रीष्म ऋतु का महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु में एशिया का उत्तरी पश्चिमी स्थल भाग अधिक तापमान के कारण गर्म हो उठता है। उसी समय मैदान निकटवर्ती अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी पर अपेक्षाकृत कम तापमान और उच्च वायुदाब विद्यमान होता है। भारत में इन पवनों की ग्रीष्मकाल मानसून पवन भी कहते हैं, लेकिन चीन तथा जापान में इनका नाम दक्षिण पूर्वी मानसून ही है। अब आता है शीतकालीन मानसून। उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर शीत का महीना होता है। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। यही कारण है कि एशिया के आंतरिक भाग शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। निकटवर्ती उत्तरी हिंद महासागर अपेक्षाकृत गर्म रहता है, जिससे वहां निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। परिणाम स्वरूप पवने स्थल से समुद्र की ओर बहने शुरू कर देती है। इन्हें ही शीतकालीन मानसून पवने कहा जाता है। भारत में इनकी दिशा उत्तर पूर्वी तथा चीन और जापान में उत्तर पश्चिम होती है। चीन और जापान के निकट महासागर की आर्द्र और गर्म वायु के स्थल की ठंडी और शुष्क वायु में मिलने से टाइफून बनते हैं। मानसून की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा। जर्मनी के विद्वान एच फ्लोन के अनुसार मानसून पवने स्थायी अथवा मध्य पवनों का ही रूपांतरण है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध तथा तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाते हैं। शीत ऋतु में उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध तथा तापीय वायुदाब विषुवत रेखा दक्षिण की ओर खिसक जाते हैं। सन्मार्गी पवने फिर से सामान्य रूप से स्थापित हो जाती हैं, जिन्हें शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। इसके बाद होता है स्थल समेत तथा जल समेत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा स्थल होता है वो सूर्य के प्रकाश में शीघ्र तो गर्म होता है और शीघ्र ही ठंडा होता है। जब जलीय भाग जो होता है वो देर से ही तो गर्म होता है, वो देर से ही ठंडा होता है। दिन के समय सागर तट के निकट स्थल के सूर्यताप अधिक गर्म हो जाने के कारण ऊपर निम्न वायुदाब बन जाता है। स्थल की गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और वायु की भारी और ठंडी वायु तट की ओर बढ़ने लगती है, जिसे जल समेत कहते हैं। रात के समय समुद्र की अपेक्षा गर्म रहता है, जिस पर इन वायुदाब बना रहता है। स्थल से विकिरण द्वारा ऊष्मा जल्दी ही निकल जाती है, जिससे वह ठंडा हो जाता है। रात के समय पवने स्थल के अनुसार उच्च दाब से जल के निम्न दाब की ओर बहने लगती है, जिसे स्थल समेत कहते हैं। इसके बाद आता है पर्वत समेत तथा घाटी समेत। ये पर्वत समेत व घाटी के बीच असमान ताप व वायुमंडल के कारण उत्पन्न होती है। घाटी की वायु गर्म होकर तरंगों के रूप में ढलान के साथ साथ ऊपर उठने लगती है। इन्हें घाटी समेत कहते हैं। ढलों पर ठहरी हुई वहां ठंडी और भारी होकर नीचे घाटी की ओर बहने लगती है, इसे पर्वतीय समीर कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लोकल विंड यानी स्थानीय वायु। इसमें हमारे सदर वायु हो चुके हैं, अब आता है हमारा स्थानीय पवन, जिसमें आता है आपका लू। इससे पहले हम जानते हैं स्थानीय पवन किसे कहते हैं। स्थानीय पवन उच्च स्तर पर तापमान और वायुदाब में अंतर के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली पवनों को स्थानीय पवने कहते हैं। ये मुख्यतः 8000 के ऊंचे जिसमें लोग चिन्हों फोन मिसाल
बोरा, हार्मोनिकल और स्ट्रोको और कामसेन ये प्रमुख लोकल विंड यानी स्थानीय विंड है। स्थानीय स्तर पर उच्च और वायु दाब में अंतर के फलस्वरूप अन्य उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित हैं। नंबर एक पिल्लू भारत और पाकिस्तान के सिंध गंगा के मैदान में मई जून के महीने में प्राय दोपहर के बाद पश्चिम से आने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। चिन्हों चिनुक का अर्थ है हिम बक्षी या हिम हिरणी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों से संबंधी सर्दियों में उतरने वाली गर्म व शुष्क पवने हैं जो 2 घंटे के अंदर तापमान में 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके बाद फोन फोन शिनुक की बातें शुष्क गर्म और तूफानी हवा है जो दक्षिण दिशा से आल्पस पर्वत को पार करके उसके पवन विमुखी ढाल के सहारे उतरकर स्विट्जरलैंड की घाटियों में बहती है। इसके बाद है मिस्ट्रल शीत ऋतु में आल्पस पर्वत से भूमध्य सागर की ओर फ्रांस और स्पेन के तटों पर बहने वाली तेज शुष्क व ठंडी पवनों को मिस्ट्रल कहते हैं। यह पवन तापमान के मांग से नीचे गिर देती है। बोरा मिस्टर की तरह बोरा भी एक शुष्क ठंडी तथा वेग से चलने वाली पवन है जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तटों पर बहती है। इसके बाद हार्मिटन संकीर्ण रोन घाटी के सहारे मरुस्थल से चक्कर गिनी तट की ओर जाने वाली उष्ण शुष्क और धूल भरी पवनों को हरमान कहा जाता है। इसके बाद स्रोको वसंत ऋतु में अफ्रीका के सहारे मरुस्थल से भूमध्य सागरीय तटों पर और बहने वाली गर्म हवा को स्रोको कहते हैं, गर्म हवाओं को। इसके बाद है कमशिन भूमध्य सागर को पार करके मिस्र में पहुंचने पर स्रोको पवन को कमशिन कहा जाता है। कमशिन अरबी भाषा में शब्द है जिसका अभिप्राय 50 से है, 50 डिग्री से है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम वायु राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।